वहां केले के कई पेड़ जमीन पर टूटकर गिर गए। यूपी के अलीगढ़ में जहरीली शराब पीने की वजह से मरने वालों का आंकड़ा 17 पर पहुंच गया है, जबकि 12 लोग अब भी इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती हैं। इस मामले में 3 अलग अलग थानों में FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस ने अनिल चौधरी नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो RLD का नेता बताया जा रहा है, जबकि एक और आरोपी ऋषि शर्मा फरार बताया जा रहा है, जिस पर 50,000 का इनाम घोषित किया गया है। इसके अलावा आबकारी अधिकारी धीरज शर्मा को निलंबित कर दिया गया है। और मौत का आंकड़ा जहरीली शराब मामले में बढ़कर 17 हो गया है, और इसमें जो गिरफ्तारी हुई है, अनिल चौधरी नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जो RLD का नेता बताया जा रहा है, और एक और आरोपी ऋषि शर्मा फरार बताया जा रहा है, जिस पर 50,000 का इनाम घोषित किया गया है, और इसके अलावा आबकारी अधिकारी धीरज शर्मा को भी निलंबित कर दिया गया। ब्रिटेन के प्रिंस विलियम की पत्नी और